नमस्कार। अब हम करते हैं प्रश्नावली 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो, इसमें हमें गुणनफल करने हैं उसी प्रकार। तो हमें संख्याएं दी हैं या व्यंजक दिए हैं। देखो, 1 की पावर 2 गुणा में 2 a की पावर 22 गुणा में 4 a की पावर 26 हमें गुणा करना है। तो देखो, संख्यात्मक मान को हम गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ इसका गुणांक 1 है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 गुणा 1 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 को गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है, 2 गुणा में 4। ठीक है, इसको आपस में गुणा कर लेंगे और 1 की पावर 22 और 1 की पावर 26 को आपस में कर लेंगे। तो देखो, गुणा के 4 2 8 हो जाएंगे। तो पर 1 की पावर 22 और 1 की पावर 26 तो पावर देखो जुड़ जाएगी। 22 और 26 कितने हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 a की पावर 48। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आगे देखो, और यहाँ पे देखो 1 की पावर 2 और है, सॉरी यहाँ पे देखो 1 की पावर 2 और है, तो गुणा में 1 की पावर 2। तो यहाँ पे देखो ये तो आएगा 8 4 2 8, 1 की पावर 22 26 और 2 कितने होंगे, 1 की पावर 50। तो इसका आंसर आएगा 1 की पावर 50 आएगा। तो ये इस प्रकार उत्तर हो जाएगा। 1 की पावर 2 1 की पावर 22 1 की पावर 26, ये तीनों आपस में, पर संख्याओं आपस में गुणा कर लेंगे, 4 को 2 से 8 और पावर हो गई 50। अब ये इसी प्रकार करते हैं। यहाँ पे देखो ये दिया है 2/3 और ये माइनस का 2/3 और माइनस का 9/10 को इसको तो आपस में गुणा करते हैं, 2/3 गुणा माइनस का 9/10 और गुणा में आ जाएगा एक्स वाई और गुणा में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको यदि हम देखो गुणा करेंगे तो इनको आपस में देखते हैं, पहले गुणा करते हैं, यदि कटते हैं तो काट देते हैं, 2 5 10 3 3 9। अब देखो यहाँ पे 1 बचा 1, 3 एकम 3, 5 एकम 5, तो ये तो आएगा माइनस का 3/5। अब एक्स की पावर देखते हैं, एक्स की पावर कितनी होगी यहाँ पे 3 2 और 1 3, वाई की पावर भी कितनी होगी 3। इस प्रकार ये हम उत्तर निकाल लेंगे। फिर इसी प्रकार ये क्वेश्चन है थर्ड इसका। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो हमें दिया है उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा ऊपर दिया था, 10/3 माइनस का गुणा में 6/5। इसको लिख लिया, गुणा में क्या आएगा p q की पावर 3 और गुणा में आ जाएगा q t की पावर 3 और q, 5 2 10 और 3 2 6। इस प्रकार हमने काट लिया, 3 एकम 3 3 2 6, 5 एकम 5 5 2 10, 2 2 4 माइनस का एक हो जाएगा 4। पी की पावर देखो कितनी है, पी की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी, क्योंकि 3 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे 4, और उसी प्रकार क्यू की पावर भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखो एक्स की पावर 1 है यहाँ पे, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4 है। इसको यदि हम करेंगे, इसका गुणांक 1 है वो तो 1 ही रहेगा, x की पावर है तो पावर जुड़ जाएगी आपस में। तो देखो 4 और 3 7 7 और 2 9 1 10। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस प्रकार लिख सकते हैं। तो x की पावर कितनी होगी, 4 7 9 और 1 10। इस प्रकार ये हम आसानी से हल कर सकते हैं।